हाय, वर्षा की रसोई से स्वागत है आपका। आज हम ब्रेड की चमचम बनाने जा रहे हैं। आइए, इसके लिए हमें चाहिए नारियल का बुरादा, चेरी, पिस्ता, मावा, दूध, ब्रेड और ये छक्का में पानी डाल के सिरप बनाया मैंने। आई कंडेंसर मिल्क, ये मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स देने जानी हूँ। इसके लिए मैं टिप्स दूंगी आपको। ये मेरा आधा कप दूध है जिसको मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी, थोड़ा उबलने दे। हमने दूध को उबलने रखा है, जब तक हमारा दूध उबल जाए मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ। ये मैंने कंडेंसर मिल्क बनाया है घर में प्योर, इसको मैंने बनाया है कंडेंसर लग रहा है ना, बिल्कुल कंडेंसर मिल्क। इसको मैंने बनाया, एक गिलास दूध लिया था, इतनी मात्रा का मैंने एक गिलास लिया था, एक गिलास दूध लिया था। इसको मैंने आधा दूध कर दिया, आधा उबाल लिया था। उबलने के बाद इसमें मैंने जितना दूध लिया था उतनी शक्कर ली थी, यानी कि 100 ग्राम दूध है तो 100 ग्राम शक्कर लेनी है। उसको हमको उबालनी है गैस पर और फिर दूध जब तक इतना हो जाएगा उसका रंग ऐसे बदल जाएगा, उसमें हमें चुटकी बस सोडा डालनी है और गैस बंद कर देना है और हमें फिर डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में रखें चाहे कहीं भी रखें। और अगर आपको इसको सीखना है बनाते हुए तो मेरे उस चैनल पर है, आप ऊपर आईफोन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, वहां पर आपको मिल जाएगी। ये मैंने खोआ बनाया है। बाजार में तो इस समय लॉकडाउन की वजह से हर चीज बेकार ही है, तो अपने घर में क्यों ना बनाया जाए। अभी थोड़ा सा मैंने अपने घर में बनाया इसको खोआ। इसमें मैंने एक मिल्क पाउडर का, 20 रुपए का पाउच आता है मिल्क पाउडर का, पैकेट डाला और एक चम्मच मलाई, इन दोनों को इसमें मेश करके से मिलाया, छोटा सा मिल्क पाउडर का पैकेट आता है, मैंने उससे बनाया एक चम्मच मलाई डाल के, तो ये मेरा खोआ बन गया है। मलाई थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा गीला बनाना था इसलिए मैंने इसको इस तरह बनाया। अब मेरा दूध उबल गया, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करके रखूंगी। अब मैंने जो दूध गर्म करा था मैंने इसको इसलिए गर्म कराए ताकि जैसे ये थोड़ा लिक्विड हो जाए, रबड़ी का काम करे। अभी देखते हैं कम ज्यादा लगेगा तो। इसको मैंने कट करके ढक्कन से इस तरह से मैंने उसके पीस कर लिए, चारों तरफ से निकाल लिए थे, इस तरह का ढक्कन था मैंने इससे करा। रसगुल्ले की नाप का ही मुझे बनाना था, आप इसको छोटा बड़ा बना सकते हो, इस तरह एक ब्रेड से दो बनते हैं। सारे पीस इस तरह से हो गए, मैंने सारे इस तरह से कट कर दिए रसगुल्ले जैसे शेप में, चारों तरफ से कट कर। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा डालूंगी, इसमें इस तरह। हम इसको लगाते जाएंगे। अब इस तरह से पिस्ता अंदर जाएगा। अब ये इस तरह से इसको चिपका दिया जाएगा। इस तरह से सबको
इसमें मैंने शक्कर अंदर नहीं डाली थी क्योंकि ये मिल्क पाउडर है तो ये वैसे ही मीठा होता है बहुत ज्यादा। मीठा सिरप है शक्कर का, इसको हमको डिप इसलिए करना है ताकि इसका बाइंडिंग करना है जैसे ये रसगुल्ला लगे, ज्यादा भी नहीं डालना है इसको। इसमें हम कलर भी डाल सकते हैं, येलो रूह अफ़ज़ा शरबत में भी हम इसको बना सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह हम चेरी लगाएंगे ताकि इसका कलर सुंदर लगे। हम पिस्ता लगाएंगे, अब हम पहले इसको सर्व ऐसे करेंगे। इसमें हम वो भी डाल सकते हैं रूह अफ़ज़ा शरबत में डाल के इसका कलर रेड येलो जो भी कलर पसंद हो अपने को, हमें वाइट कलर का ही रसगुल्ला चाहिए। इस तरह ही आता है, हमने इस तरह का ही बनाया। और आपको कंडस्टर्ड मिल्क के बारे में पूछना हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछेगा। मावा भी मैंने मलाई से बनाया है, उसके बारे में पूछना हो। अब इसके ऊपर हम करेंगे शाही चमचम रसगुल्ला, तो उसका असर भी वैसा ही आना चाहिए, खाने में टेस्ट आना चाहिए। इसको 5 मिनट फ्रिज में रखने से ये ठंडा ठंडा रसगुल्ला खाने में अच्छा लगेगा। लीजिए शाही ब्रेड रसगुल्ला, ब्रेड रसगुल्ला खाकर एक बार टेस्ट करना और बताना खाकर कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा।